अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, हमें यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। गले लगाएंगे कामयाबी, हमें भरोसा है, हमें यकीन है। अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। क्या कहा तूने? फातिमा को पढ़ाएगा, लेकिन कहाँ? गांव में तो कोई स्कूल है नहीं। विधायक जी जल्दी एक स्कूल खोलने वाले हैं, वो कह रहे थे कि एक साल के अंदर गांव में स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक जी, उनका क्या है? उनकी बेटी दिल्ली में पढ़ाती है, बेटा जयपुर में शिक्षा विभाग में। ये सब उनके यहाँ चलता होगा। हमारे खानदान में बहू बेटियां बाहर नहीं जाती। कान खोल के सुन ले, मैं फातिमा को गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा और ना ही खानदान से बाहर जाने दूंगा। ये मैंने कब कहा? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा पढ़ लिख ले तो उसके काम ही आएगा। क्या करेगी पढ़ के? कलेक्ट्री करेगी या मेरे बेटे को पट्टी पढ़ाएगी? नहीं मोहम्मद अली, अगर तू उसे पढ़ाना चाहता है तो हमसे रिश्ता तोड़ ले। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? बरकत अली की एक जुबान होती है पत्थर की लकीर। फातिमा हमारे घराने की होने वाली बहू है और ये मुझे कतई मंजूर नहीं कि तू उसे पढ़ाए। एक घर गृहस्थी चूल्हा चक्की सिखा दे, ये उसके लिए बहुत है। मैं चलता हूँ भाई साहब, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बाद में बात करेगा? क्यों, तू क्या समझ रहा है मैं नशे में हूं? पी जरूर रखी है मैंने, लेकिन होश में बोल रहा हूं। तो चुपचाप घर जा, जा घर, और ये विधायक जी बनने का ख्वाब छोड़ दे, समझा? ये हीरा और बबलू नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? होंगे यहीं कहीं अपने यार दोस्तों के साथ। यार हीरा, तुम ही बात मजे की करता है। अबे छोड़ यार, अब तो दिल्ली जाने का जी जाता है, बहुत दिन हो गए। प्रोग्राम बना ले, लेकिन यार इस बार जरा मोटी रकम लेकर चलना। रकम की बात तो मत कर, मेरा बापू जी खोल कर पैसे देता है और कभी हिसाब तक नहीं मांगता। एक बात बता यार हीरा। पूछ। तेरी वो होने वाली जोरू अब तो बड़ी हो गई होगी, कब तक कर रहा है शादी? बापू जाने यार, मुझे तो चाचा के यहाँ गए हुए एक जमाना हो गया। अब दिखने में कैसी लगती है? अरे तब तो अच्छी थी, लेकिन यार राजू उस सब्जी मंडी वाले का तो जवाब नहीं यार। वो चाय वाले की बेटी? अच्छा, तो तू इसलिए दिल्ली जाना चाहता है? अबे हंस क्यों रहा है? क्यों बे, भूल गया? वो सब्जी मंडी, वो थाना, वो हवालात और वो। चुप रे यार, वो तो नशे में जरा हाथ बैग गया था। अरे यार, उस चाय वाली का भी तो हाथ बैग गया था। चुप कर यार, तू भी यार क्या क्या बोले जाता है। जैसा कि आपने बताया चाची कि फातिमा का ताया उसे पढ़ने लिखने नहीं देना चाहता, जबकि वो उसे अपने घर की बहू भी बनाना चाहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो जाहिल बहू चाहता क्यों है।
पढ़ी लिखी बहू होगी तो घर में जो हो रहा वो होने नहीं देगी। इसका ताया अच्छा आदमी नहीं है, बड़ा ऐबी है, पैसे के बल पर सब कुछ करता है, सूद भी खाता है, और उसके दोनों बेटे हीरा और बबलू भी वैसे ही हैं। जाहिल बहू इसलिए चाहता है कि उसे दबा कर रखे। मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी को तो और भी सताएगा, क्योंकि इसके बाप ने उधार जो ले रखा है। आप फातिमा के बापू को कुछ समझाते क्यों नहीं है? वो क्या करेंगे बेचारे, तीन तीन बेटियों के बोझ तले दबे हुए हैं। फातिमा की दो और बहनें हैं? इससे छोटी, दोनों आजकल दादी के पास गई हुई हैं। अच्छा, और ताया के? ताया के कितने बच्चे हैं? बस दो ही बेटे, हीरा और बबलू, उसके कोई बेटी तो है नहीं, तभी तो इतना कठोर है। पर गांव में कोई पंचायत वगैरह तो होगी? इसके बाप में हिम्मत है अपने भाई को पंचायत में घसीटने की? पर चची, ये तो फातिमा पर जुल्म है ना। एक तो आपने इसको पढ़ाया लिखाया नहीं, और अब आप इसकी शादी भी ऐसी जगह कर रही है। फिर हम करें तो क्या करें? इस गांव के इमाम साहब वो कुछ समझा बुझा सकते हैं? इसका ताया खबीस है खबीस, इमाम साहब से भी चिढ़ा रहता है। बस समझ लो कि वो नाम का मुसलमान है। उनका नाम क्या है? बरकत अली। जब वो घर पे आता है तो इसके पापू को तो साफ सूंघ जाता है। उसके रहते हुए यहाँ गांव का कोई आदमी दरवाजे पर नहीं फिरता, किसी को कुछ भी बोल जाता है। पर मोहम्मद अली साहब तो बहुत नेक इंसान है। तभी तो ये हाल है, दूसरों की मदद कर करके खुद उधार में डूब गया है। बड़ा भाई चार पैसा हाथ में रख देता है तो इसके बाप की तो बोलती बंद हो जाती है। इसका इलाज भी है मेरे पास, अगर आप मेरा साथ दें तो। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और इससे गांव वालों को बहुत फायदा जी। आइए। यही है जरीना जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा अच्छा, लेकिन मियाँ ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मैं तो समझ रहा था कि ताज्जुब तो इस बात का है इमाम साहब कि इस उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम लोग दंग रह जाते हैं। अच्छा, जबकि कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन मियाँ लगता है वो कुछ मसरूफ है, मैं बाद में मिल लूंगा। अरे नहीं नहीं इमाम साहब, आप आइए, वो खुद आपसे मिलना चाहती है। अच्छा जी, चलिए मिलते हैं। आइए। बेटी यही इमाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मस्जिद के पेशे इमाम। जीते रहिए जीते रहिए। अच्छा हुआ तुम बाहर मिल गई। भाई मोहम्मद अली ने आपके बारे में जो बताया उसे जानकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब गांव में आते हैं तो बहुत अच्छी सोहबत का असर होता है। अब देखिए ना, मैं 10-11 साल से यहाँ हूँ, आज पहली बार मुझसे किसी ने कुरान के बारे में पूछा, कुरान की आयतों के बारे में पूछा। मोहम्मद अली ने मुझसे सूरह आराफ के बारे में पूछा। मैं बहुत बेचैन था कि आखिर वो कौन बच्ची है जिसने आते ही यहाँ। माफ कीजिएगा, मैं तो आपकी दुआ चाहती हूँ। इनसे पढ़ाई पर बातें हो रही थी तो मैंने इनको कहा कि इस पर तो आप ही रोशनी डाल सकते हैं। भाई देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इल्म दाढ़ी वालों के पास ही हो। इल्म तो दिल की लगन से हासिल होता है, इसमें उम्र की कोई शर्त नहीं होती। आप देखिए ना, आप दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं और दीनी इल्म भी,
आप तो हम मौलवियों से भी ज्यादा काबिल कदर हैं। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज, मैं तो आपके रुतबे तक पहुंच ही नहीं सकती। सुन रहे हो इनकी बातें? जब ही तो कहता हूं कि इल्म हासिल करो, इल्म इससे जिंदगी में सलीका आता है। आप लोग बातें करें, मैं जरा अंदर होकर आता हूं। हाँ हाँ, तुम तो जाओगे ही भाई, तुम्हारे पास ऐसी बातों के लिए वक्त ही कहाँ है। बदनाम तो हम मौलवी होते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर चाय बोलने के लिए जा रहा हूँ। अरे आप रुकिए ना, मैं बोलाती हूँ। नहीं नहीं जरीना, तुम यही रुको, बैठो। जाओ मियाँ, तुम ही बोलो। ठीक है, बैठिए। अजी सुनती हो? क्या हुआ? अरे पांच छह प्याली चाय बना दो, मौलवी साहब आए हैं। मौलवी साहब आए हैं? हाँ, वो जरीना से मिलने आए हैं। इबरत लो इबरत, फातिमा से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तुमने तो इसे किसी काबिल बनाया ही नहीं, बस अपने बड़े भाई की गुलामी करते रहते हो। अगर उन्होंने किसी दिन कह दिया कि फातिमा की माँ को छोड़ दो, तो तुम तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तुझसे कितनी दफे कह चुका हूँ कि ये बात बात पर तानाकशी मत किया कर। चाय बना। अब आप यहाँ आई हैं, तो गांव की बच्चियों से पूछिएगा कि मैंने यहाँ आते ही मस्जिद के कोने में उन्हें पढ़ाने का इंतजाम किया था। भाई मैंने सोचा था कि दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी सीख लेंगी। अब कुछ दिन तो बच्चियाँ आईं, लेकिन उसके बाद उनका आना बंद हो गया। माँ बाप ने रोक लिया घर का बहाना करके। भाई मैं तो हमेशा समझाता हूँ कि देखो, बच्चों को तालीम से आरास्ता करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं साहब। अच्छा उनकी मंतिकें भी बड़ी अजीब अजीब हैं कि साहब बच्चियां इतनी दूर कैसे जाएंगी, लड़कों के साथ कैसे पढ़ेंगी। अरे भाई जब गांव में स्कूल था तब कौन सा भेज दिया उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए, और अब तो वो स्कूल भी बंद हो गया, किसी ने अपनी बेटी को नहीं भेजा, और वो बेचारी टीचर आज ही जाकर वो भी चली। अब आप ये देखिए, ये लोग पांच वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, साल में 30 रोजे रख लेते हैं, तो ये समझते हैं कि इन्होंने अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जबकि ये नहीं समझते कि इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद की गई हैं वो भी इबादत से कम नहीं है। अब आप ही बताइए इसमें हम मौलवियों का क्या कसूर है? जाहिर सी बात है, आपसे बेहतर समझाने और बताने वाला इन्हें और कौन मिलेगा। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। तुम भी बैठो फातिमा। नहीं दीदी, पहले मैं अंदर चाय दे दूं, फिर घर में मुझे कुछ काम है। अच्छा भाई, जहां तक मेरा अंदाजा है माएं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। भाई देखो मैं मानता हूं कि मजबूरियां भी होती हैं और घरेलू मसाइल भी होते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा गफलत और लापरवाही है। पर ये हालात बदलेंगे कैसे? अल्लाह बेहतर जानता है भाई। एक रास्ता है मेरे पास, माँ बाप को कुछ समझाने या बताने के बजाय लड़कियों को समझाया जाए कि पढ़ाई से क्या क्या फायदे हैं, पर्दा और हिजाब किसे कहते हैं, शरीयत के दायरे में ही रहकर उन्हें दुनिया के साथ कैसे चलाया जा सकता है। आपकी तजवीज अच्छी है, लेकिन अगर हम लोग ये काम करेंगे तो ये इल्जाम आ जाएगा कि साहब हमारे बच्चों को बहकाया वर्गलाया वगैरह वगैरह, तो अच्छा ये हो कि ये काम बाहर का कोई आदमी करे। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। और आदमी भी ऐसा हो जिसे गांव वाले पसंद करें। अब देखिए आपका अच्छा असर पड़ा है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों से मिलिए, कुछ बात कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि गांव वालों की सोच बदलेगी। मगर आप जिस काम से आई हैं उसका हर्ज नहीं होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, फिलहाल मैं चलता हूं। अच्छा भाई मोहम्मद अली। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा
गुड मॉर्निंग। 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 उठ गए तुम लोग? हाँ। गए वो लोग? तुम्हें कैसे पता? वो फातिमा बता रही थी। हाँ, इमाम साहब फरमा रहे थे कि मैं गांव की कुछ लड़कियों से मिलूं, उनके ख्यालात मालूम करूं और उनको कुछ पढ़ाई लिखाई के ऊपर सलाह वला दूं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, नेक काम है और ये तो हमारे सर्वे का भी एक हिस्सा है। इमाम साहब जो कह रहे थे तुम वो करो, फिर जैसा भी होगा हम तुम्हें बता देंगे। तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से लोगों की सोच बदलती है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा होगा और हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम एक अच्छा काम करना चाहती हो। हम इतने सालों से साथ साथ हैं, लेकिन हमें अब जाकर मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर की आत्मा तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। दिल्ली वाली चली गई क्या? उसकी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है। अरे यार वो यही है। तुझे कैसे पता? रामप्रीत चाचा बता रहे थे। लेकिन वो है कहाँ? अरे कहीं भी हो, तू इतना उतावला क्या हो रहा है? तू चल ना यार। किशन कुछ भी कहो, लड़की बहुत अच्छी है। देख किशन, तू मुझे ऐसी नजर से देखता ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है तू मेरी मजाक उड़ा रहा है। नहीं यार, मजाक कैसा है? कहाँ वो, कहाँ हम? आज यहाँ है, कल दिल्ली में होगी। अरे ये रास्ते भी याद नहीं रहेंगे उसको। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो यार, जब भी मैं उस लड़की को देखता हूँ मेरे मन में कुछ न कुछ होने लगता है यार। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। यार जो कुछ भी हो एक बात कहूँ, मैं भी चाहने लगा हूँ उसे। सच? और क्या, चाहने में क्या लगता है? मैं चाहूँ तो मैं हेमा मालिनी को चाहूँ। हेमा मालिनी को? और क्या, हेमा मालिनी तेरी माँ की उम्र की है। हाँ, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। छोड़ ना यार, चल चल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो उसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अबे चल ना मजनू की औलाद, चल। तुम किसी से पूछ लेना कि ये सड़क कब से खराब है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई ठीक ठीक साल या महीना बताए, इसलिए पूछ लेना कि इसकी मरम्मत कब हुई थी। हाँ तो बता देगा, साल भर पहले या दो साल पहले। सवाल करते हुए सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। किसी से सरकारी फंड के बारे में पूछना हो तो? सरकारी फंड के बारे में पूछना हो तो पूछ लेना कि कहाँ से कितना फंड आता है, सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है। वैसे ये कोई पब्लिक का आदमी तो नहीं बता पाएगा, इस बारे में डीएम को पता होता है, या फिर कोई लोकल एमएलए या एमपी, वो बता सकता है कि पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ, सरकारी स्कीम्स की डिटेल इस फाइल में है। कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई हैं ये तुम्हें लोगों से पूछना होगा। ओके ओके ठीक है। ओके अब चलना चाहिए क्योंकि मुझे इमाम साहब के साथ जाना है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम इमाम साहब के साथ गांव की लड़कियों से मिलने जा रही हो? जी। और तुम्हारे ये साथी? वो सर्वे के लिए निकल जाएंगे। इलाके का पता है इन्हें? अरे रामप्रीत, तुम इनको अपने साथ ले जाओ और अगर कोई पूछे तो उनसे ये कहना कि दिल्ली से सर्वे की टीम आई है, और इनके साथ ही रहना। बिल्कुल, आओ शेरी बाबू, पूरा गांव घुमाता हूँ आपको, आओ मेरे साथ। आओ सरीना, चले। जी इमाम साहब। तू जरा एक मिनट, बेटी फातिमा यहाँ आओ, तुम इनके साथ चली जाओ। को भी ले चलो, चलो। तो पूरे में मतलब इस गांव की आबादी कितनी है? लगभग 15-20 हजार के आसपास। 15-20 हजार? और उनमें से कितनी लड़कियां आती होंगी जैसे पढ़ने वगैरह के लिए? हाँ आती हैं लड़कियां, पढ़ भेजते ही कहाँ हैं। इमाम साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेयर अली साहब का ही घर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गांव की लड़कियों से मिलने आई हैं। जी अच्छा अच्छा, मैं कौसर को बुला के लाती हूँ। हाँ, कौसर अंदर ही है। कौसर, कौसर कहाँ चली गई? जरीना दीदी आई है।
यहाँ आई है हमारे घर? हाँ हाँ बाहर खड़ी है, तू जाकर उनसे मिल, मैं जमीला साजिदा और रूही को बुला के लाती हूँ। चल, ये जरीना दीदी है, मैं अभी आई। अरे इसको क्या हो गया? खैर ये है मेरी बेटी कौसर। बेटी ये है जरीना। हमें मालूम है, ये दिल्ली वाली दीदी है। दिल्ली वाली दीदी? देखा आपने, गांव में कितनी चर्चा हो गई है आपकी। तुम कोई जरूरी काम तो नहीं कर रही थी? नहीं दीदी, मैं तो खुद ही आपके पास आने वाली थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर इस गांव में आई हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं। ऐसे मत कहो, इतने मिलनसार लोग शहर में कहाँ मिलते हैं? मिलनसार या अनपढ़ लोग? मेरा कहने का मतलब है कि आप शहर से गांव में आई हैं, यहाँ लोग दिन में भी डरते हैं। कौसर, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। वाकई भाई, जहाँ तालीम ना हो वहाँ दिन में भी गुप अंधेरा रहता है। देखा आपने चाचा, आपकी बेटी कितनी समझदार है। भैया फातिमा कहाँ चली गई? वो अपनी और सहेलियों को बुलाने गई है। अच्छा 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 भाई ठीक है, आप लोग बातचीत करें, मुझे जरा मस्जिद जाना है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। खुदा तुम इतनी समझदार हो तो फिर तुम पढ़ती क्यों नहीं हो? दीदी मैं तो गांव की हूँ, बड़े शहरों की लड़कियाँ पढ़ती लिखती हैं। ऐसा नहीं है, बड़े शहरों में गांव की लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। वो खुश नसीब होंगी। कितनी सुलझी हुई सोच है तुम्हारी। काश आपने कौसर को पढ़ाया होता चाचा। तुम पढ़ना चाहती हो? दीदी खुद से कोई नहीं पढ़ता, पढ़ाया जाता है। देखा आपने, अभी जुर्म नहीं तो और क्या है, बेटी क्या चाहती है इसका तो एहसास ही नहीं है आपको। लो फातिमा भी आ गई। जरीना दीदी, ये जमीला है, ये साजिदा है और ये रूही है। अच्छा, और मैं जरीना हूँ। मैं बता चुकी हूँ आपको, सब जानती हैं। अच्छी पब्लिसिटी कराई है भाई। तुम लोग बातें करो, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दीदी जब स्कूल खुला था तो हम सब पढ़ने जाया करते थे। अच्छा, तो फिर जाना बंद क्यों कर दिया? बस यूं ही। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि जाने नहीं दिया जाता था? जाने नहीं दिया जाता था? कौन नहीं जाने देता था? माँ बाप और कौन। इसलिए मैंने कहा था कि वो लड़कियाँ खुश नसीब होंगी जिन्हें उनके माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजते हैं। अगर तुम इतनी समझदार हो तो माँ बाप को समझाती क्यों नहीं हो? वो ज्यादा समझदार है, कहते हैं जब घर बार संभाल लें तो पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। तुम बताओ, तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ दीदी, हम सब तो पढ़ना चाहते हैं। देखिए दीदी, हम माँ बाप से बेअदबी नहीं कर सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं, जो हमने किया भी है। वो क्या? हमने अपने माँ बाप से कह दिया है कि हम शादी करेंगे तो किसी पढ़े लिखे आदमी से ही करेंगे जो हमें पढ़ा लिखा सके। तुम तो कमाल की लड़की हो, बल्कि मैं तो कहूँगी तुम तो इनकलाबी लड़की हो। आप जो भी कह लीजिए, हम है तो अनपढ़ ही। ऐसा मत कहो, तुम भी पढ़ लिख सकती हो। वो कैसे? अदब और लिहाज के साथ अपने माँ बाप पर दबाव डालो कि तुम पढ़ना चाहती हो। वो जरूर समझेंगे, क्योंकि वो माँ बाप हैं, औलाद का दर्द समझते हैं। कौसर, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखती? सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि तुम किसी पढ़े लिखे आदमी से ही शादी करोगी, वो लोग कब तक मना करेंगे? लेकिन अब तो गांव में स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी बन जाएगा, पर पहले तुम सब लोग अपने अंदर पढ़ने लिखने की हिम्मत पैदा करो। इमाम साहब पढ़ाने के लिए तैयार है। क्या तुम सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ हम सब तैयार। फातिमा के बापू तैयार होंगे? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, लड़कियों का जुलूस लेकर के आई हो और इतनी सारी सहेलियां बना ली? जी ये सब पढ़ना चाहती हैं। हाँ हाँ जरूर पढ़ाओ, लेकिन तुम तो चली जाओगी। सवाल ये नहीं है चाचा कि कौन पढ़ाएगा, आप बताइए, आप फातिमा को पढ़ने देंगे? हमारे साथ तो मजबूरी है बेटी, अब हम तुम्हें कैसे बताएं?
आप जरा मेरे साथ अंदर आएंगे? चाची मुझे सब कुछ बता चुकी है। आप अपनी मासूम बेटी को तो देखिए, क्या आप चाहते हैं कि वो वहां शादी करके अपनी सारी जिंदगी दुख में गुजार दे? कितना कर्ज है आप पर, मैं अदा करूंगी। एक बाहर की कंपनी ने मुझे नौकरी पर रख लिया है। 3 महीने बाद इम्तिहान है और रिजल्ट आते ही मेरी तनख्वाह चालू हो जाएगी, पूरे 45,000 रुपए। मैं अपनी पहली तनख्वाह आपको लाकर दे दूंगी, और अगर कर्ज इससे ज्यादा है तो मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगी। सिर्फ इसलिए तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया कि मेरी बेटी पढ़ लिख सके? मैंने वादा किया है कि मैं फातिमा को जरूर पढ़ाऊंगी। खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुदा तुम्हारा भला करे। तुम पराई होकर मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो, और हम बाप होकर इतने मजबूर हो गए कि हमने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, भाई साहब को हम देख लेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। मेहर अली, असद और सबको हम मना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी होकर शुक्रिया अदा करती हो, तुमने तो हक अदा किया है बेटी, हक अदा किया है। सुनो, फातिमा के बापू तैयार हैं। हम सभी तैयार हैं। अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे, हमें है भरोसा, हमें ये यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। गले लगाएंगे कामयाबी, हमें भरोसा है, हमें यकीन है। जमीन पे तारे चमक उठे हैं, चले हैं मिलजुल के जर्रे सारे।